हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। मुंबई वर्सेस एफसी गोवा सेकंड लेग एट द मुंबई फुटबॉल अरेना। भाई साहब, व्हाट अ ब्रिलियंट मैच, भाई व्हाट अ ब्रिलियंट मैच। लेट्स एग्री, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस फ्रॉम मुंबई। दिस टू लेग्स वेर ब्रिलियंट। मुंबई सिटी ने एफसी गोवा को एलिमिनेट कर दिया एंड हैव बुक्ड अ मीटिंग विद मोहन बगान इन टू द फाइनल्स। इट वॉज रिटन इन द स्टार्स, भाई इट वॉज ऑलवेज रिटन इन द स्टार्स। मोहन बगान सुपर जायंट्स वर्सेज मुंबई सिटी एट द वी वाई बी के स्टेडियम इन कोलकाता। इट्स टाइम फॉर रिवेंज फॉर मुंबई सिटी एंड दे विल बी आइंग फॉर अ रिवेंज बिकॉज ऑफकोर्स येस, ये दो लेग्स पे अगर हम लोग बात करेंगे आफ्टर दैट मोहन बगान मैच, मुंबई हैव बिन ग्रेट। आई नो फर्स्ट हाफ मुंबई का इन द फर्स्ट लेग ऑल्सो, सेकेंड लेग भी थोड़ा सा ढगमगा रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, बट सेकेंड हाफ में मुंबई सिटी हैज ऑलवेज प्लेड बेटर। पीटर क्रैटकी अगेन हैट्स ऑफ, द टीम अगेन हैट्स ऑफ। कुछ प्लेयर्स हैं जो टीम को होल्ड बैक करते हैं, बट भाई आई थिंक कहीं ना कहीं दे हैव गॉट इनफ प्लेयर्स हु कैन टेक दिस टीम टू अ डिफरेंट लेवल एंड इन द नेक्स्ट 5 years दिस मुंबई टीम इज गोइंग टू ग्रो 5x बेटर श्योरली। ये लिख के ले लो भाई, टेक अ पेन एंड पेपर, जो मैं अभी बोल रहा हूँ लिख के ले लो। मुंबई इज गोइंग टू बी डोमिनेटिंग इंडियन सुपर लीग इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स। फैंस उनके बढ़ने वाले हैं भाई, 2x से 3x, 3x से 4x जरूर बढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिस टीम हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसॉफी। ये इंडियन फुटबॉल को एक्साइटिंग बना रही है। लेट्स फेस इट, लेट्स एक्सेप्ट इट। जो भी बैकग्राउंड से, जो भी क्लब के आप फैन हो भाई, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि मुंबई सिटी इज वन ऑफ द एक्साइटिंग टीम्स टू वॉच इन इंडियन सुपर लीग। बट हाँ, कमिंग बैक टू द एफसी गोवा एंड मुंबई गेम एंड टेकिंग अवे द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो भाई पहली बात ये बता दूं, वैन नियफ वॉज ब्रिलियंट, ठीक है, बट यस, येलो कार्ड, ही मिसेज द फाइनल। ही वॉज वेरी गुड भाई, ही वॉज वेरी गुड, वन ऑफ द टॉप नॉच प्लेयर्स आई वुड से। जो तरीके का गेम उसने खेला इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ अटैक, जो तरीके का ट्रांजिशन, द पासिस, द लॉन्ग बॉल्स, द शॉर्ट पासिस, बहुत बढ़िया था बंदा। ही वॉज अ स्टार मिडफील्डर एंड ही हैज बीन द स्टार मिडफील्डर फॉर मुंबई सिटी एफसी। हाँ, उनका स्टार्ट जो है लीग में बहुत स्लो था, बट ही हैज शोन हिज क्लास एंड भाई साहब, बट वो येलो कार्ड इज गोइंग टू हर्ट हिम अ लॉट बिकॉज वो फाइनल नहीं खेलने वाले, ही विल बी मिसिंग द फाइनल। तो भाई अगर वैन नियफ मिस करेंगे तो यहाँ पे अप्पूया के ऊपर जो है बहुत भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड अप्पूया को जो है पूरी मिडफील्ड संभालनी पड़ेगी एंड श्योरली आई गेस अप्पूया संभाल भी सकते हैं। ये मैच में भी बहुत बढ़िया थे अप्पूया, बहुत बढ़िया तरीके से इंटरसेप्शन वगैरह किए थे उन्होंने, पासिंग भी बहुत बढ़िया थी उनकी। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कभी कभार व्हेन यू नो नोवा वाज इनवर्टिंग, बट ही डिड इनफ आउट्स एंड श्योरली फाइनल में भी जो है संभाल सकते हैं इफ ही कैन डू दैट। ओके, अभी अटैक पे आते हैं, थोड़ा सा मिडफील्ड से हट के अटैक पे आते हैं, बिकॉज जॉर्गे फेरेरा डियाज, विक्रम प्रताप सिंह, चांग, देख कितने एक्साइटिंग नेम्स हैं यार, कितने एक्साइटिंग नेम्स हैं। बट हाँ, जॉर्गे फेरेरा डियाज इज नॉट द सेम गाय विच ही यूज्ड टू बी। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है धीरा धीरा, थोड़ा सा मतलब लाइक ही इज नॉट हैविंग दैट पेस राइट। बट वहीं पर अगर हम लोग विक्रम प्रताप सिंह की बात करें, चांगदी की बात करें, तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आता है क्योंकि इंटरनेशनल टीम में खेलते बंदे और आई होप दे कीप ऑन द फॉर्म अंटिल द कुवैत गेम विच इज इन June 6th। तो मजा आएगा भाई, मजा तो जरूर आएगा। बट यार, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम, विक्रम प्रताप वॉज वेरी गुड, यस, डिफेंसिवली भी वो बंदा बहुत हार्ड वर्क किया है। चांगते द सेम, दैट गोल, दैट डांसिंग इन द बॉक्स, भाई साहब बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा ऑर्गाजम्स आ गए वो गोल देखे। एंड आई जस्ट होप भाई ही कीप्स ऑन डूइंग दैट अगेन एंड अगेन। ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर मुंबई, एक अलग ही प्लेयर हो चुका है मुंबई के लिए एंड आई जस्ट होप ही कीप्स ऑन दैट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी डिफेंसिव ट्रांजिशन में, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुंबई को। यस, ताहिर क्रोमा हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यस, बट कहीं ना कहीं टीरी को और मेहताब को थोड़ा सा यू नो दे शुड हैव दैट कनेक्शन। टीरी इज एक्सेप्शनली गुड, बट मेहताब का वो कनेक्शन नहीं दिख रहा टीरी के साथ में। कहीं ना कहीं अगर ये मेहताब एंड टीरी का जो कनेक्शन है उसको सॉर्ट आउट कर ले पीटर क्रैटकी, देन जो उनकी डिफेंड है वो भी फॉर्मिडेबल हो जाएगी भाई, वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगी लीग में। बट लेट मी टेल यू, मुंबई सिटी विल श्योरली बी आइंग अ रिवेंज इन द फाइनल अगेंस्ट मोहन बगान सुपर जायंट्स। और मोहन बगान सुपर जायंट्स बीइंग मोहन बगान सुपर जायंट्स इज नॉट ईजी भाई, क्योंकि VYBK में मोहन बगान को हराना इट्स नॉट ईजी। इससे पहले भी मैं बोला हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ भाई, इनको हराना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि आपको याद है वो शील्ड वाला मैच, आपको याद है वो उड़ीसा वाला मैच, और ये फाइनल जो है वहीं पे हो रहा है, तो श्योरली मोहन बगान जो है अभी बोलेगा आओ। तो यार मज़ा तो आएगा, फाइनल में मज़ा तो आएगा श्योरली यार।
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट। तो भाई आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, क्योंकि यार ये वीक जो है ये मैच का हाइप बढ़ाने में निकल जाएगा, बट या मजा तो जरूर आएगा भाई। तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।